दोस्तों बकरी पालन अगर आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो आप मेरे पीछे ये शेड देख रहे हैं, इस तरफ फिर उस तरफ, तो ये कोई मिस्त्री से नहीं बनवाया गया है। जो यहाँ बकरी पालन कर रहे हैं वो खुद अपने मेहनत से जो आप ये शेड देख रहे हैं, इस इमारत को खड़ा किए हैं। साथ ही बकरी पालन की जब ये शुरुआत किए थे तो एक बकरी से किए थे, एक से दो, दो से तीन, और आज जो है 30+ बकरी है। तो कहने का मतलब है कि इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा कि पेशेंस आपके पास होना चाहिए और संघर्ष करने की जो इच्छा शक्ति होती है वो मजबूत आपको रखना चाहिए। अगर ये दोनों आप सही तरीके से दोनों में समन्वय में बैठा के रखते हैं तो आने वाले समय में बकरी पालन में आपको एक बेहतरीन सफलता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है। तो मैं बता दूं कि मैं हूं अभी बिहार, बिहार का ये अरवल जिला है और करपी प्रखंड के अंदर करहरी गाँव है, वहीं पर हैं। और जो बकरी पालन कर रहे हैं महज उनकी उम्र जो है मात्र 22 साल है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने कम उम्र में जो है इतनी शानदार सफलता कैसे मिली। तमाम जानकारी आज उनसे लेंगे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा फॉर्म में स्वागत है सर, इतना कड़ी धूप में आया सर। सबसे पहले अपना नाम और पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। सर मेरा नाम हुआ अमरजीत कुमार सर, ये जिला पड़ता है, अरवल जिला पड़ता है, गांव है करहरी प्रखंड करपी पड़ता है सर। करपी प्रखंड के अंदर करहरी गांव है, यहीं पे आप बकरी पालन का काम कर रहे हैं अमरजीत जी। जी सर। अभी उम्र आपकी कितनी है? 22 साल। तो 22 साल उम्र है तो आप अभी पढ़ाई लिखाई कर सकते थे, पढ़ाई लिखाई के साथ और कुछ तैयारी वारी कर सकते थे, सरकारी नौकरी वगैरह की। तो आप बकरी पालन के पीछे क्यों आ गए? बेरोजगारी इतने है सर कि पढ़ लिख कर भी, इंजीनियर बीटेक करके भी सर बहुत दिक्कत अभी हो रहा है। वही चलते हम सोच लिए बिजनेस करना है। इसमें सर बिजनेस बहुत अच्छा है, बकरी में सर सीधे दोगुना तिगुना कमाई करके देता है सर। बकरी पालन में? जी सर। जी सर। स्कोप वगैरह सब बढ़िया है? बहुत अच्छा सर। इसमें कंपटीशन का बाजार नहीं ना है सर, इसमें जितना चाहेंगे जितना कमा सकते हैं, जितना मेहनत करेंगे उतना डिमांड है। जितना सर बहुत डिमांड है सर। तो यही सब देख के जो है आप बकरी पालन की शुरुआत किए? जी सर। अब सबसे पहले ये बताइए कि बकरी पालन की शुरुआत जो आप किए थे कितनी बकरियों से किए थे? सर शुरुआती में 2 बकरी लाए, 3 बकरी लाए, ऐसे ऐसे लाते रहे, फिर 10 हो गया, 10 से हो गया 40 टोटल से मिलाकर। आज जो है 40 बकरी जो है आपके फार्म में हो गई है? जी सर। जी। और शुरुआत किए पहले 1 बकरी से, फिर 2 बकरी, फिर 3 बकरी और ऐसे ऐसे बढ़ के 10 जब संख्या हुई फिर उससे ये 40 हो गए आपके पास? जी सर। जी। अभी टोटल जो है बड़े छोटे अगर बात करें मिला के तो इनकी संख्या जो है 40 हो गई ना? जी सर। जी। ये बताइए कि इनको खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था करते हैं? अभी देख रहे हैं कि नेपियर वगैरह भी है तो सिर्फ स्टॉल फीड पे है कि चराई वगैरह पे भी कर रखते हैं? चीजों को बढ़िया से हमारे दर्शकों को बताइए। ये सर मेरा अभी देखिए अभी चराते हैं सर, 3-4 महीना अभी चरा रहे हैं, फिर बरसात आ जाएगा तो मतलब 40-50 मन भूसा किन के रख दिए हैं। पहले ही रखे हुए हैं? जी सर। कि बरसात में बाहर नहीं ले जा सकते हैं तो यहाँ रख के खिलाने के लिए पहले ही से भूसा वगैरह का इंतजाम कर लिए हैं और उसके बाद फिर चराई पे अभी ले जाते हैं। जी सर। कितने देर चराते हैं? 2 घंटा सर। 2 घंटा सुबह में ले निकालते हैं? जी। और फिर शाम में थोड़ा सा ये सब हरा चारा वगैरह देते हैं? हाँ सर। हरा चारा में क्या क्या देते हैं? पीपल का पत्ता दे दिए, सुपर नेपियर दे दिए, पीपल दे दिए, बर दे दिए, कुछ भी पत्ता ला कर दे देते हैं। ये जो सुपर नेपियर है कितने एरिया में लगाए हुए हैं? 3 कट्ठा। 3 कट्ठा में 40 बकरियों के लिए पर्याप्त है? बहुत है सर, बहुत है, 3 कट्ठा में बहुत हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि साथ में जैसे बकरी पालन एक दो बकरी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन जब ज्यादा बकरियों को रखते हैं तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है, तो उसका वैक्सीनेशन वगैरह भी करते हैं क्या? सर 3 महीना पे डिवॉर्मिंग किए हैं सर, वैक्सीनेशन भी किए हैं, आज भी करेंगे सर। अच्छा, मतलब डिवॉर्मिंग जो है 3-3 महीना पे करते रहते हैं और वैक्सीनेशन का शेड्यूल भी समय समय पे करते रहते हैं, आज फिर से वैक्सीनेशन की बारी है आपके फार्म में? जी सर। तो ये बताइए डिवॉर्मिंग क्यों करना जरूरी है? डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे अगर सीधे वैक्सीनेशन करेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? उसका ग्रोथ नहीं पकड़ेगा सर, पेट में कीड़ा हो जाता है, कीड़ा होने के कारण ग्रोथ उसको पकड़ ही ना पाता है सर, तो इसलिए डिवॉर्मिंग बहुत जरूरी है सर। ये बताइए कि अभी जैसे बातचीत के क्रम में आप बताया कि बहुत कुछ अपने बारे में आपने बताया कि पहले तो कि बकरी जो है 1-2 बकरी से शुरुआत की रही थी, फिर बोले कि ये सब जो जितना
शेड वगैरह बनाए हैं, खुद अपने ही बनाए बिना कोई लेबर मिस्त्री के? जी सर, सिर्फ अकेला। तो बताइए कैसे कैसे काम किए थे? दिन और रात, दिन रात करके काम किए इसमें? जी सर। और ये सब जैसे इतना अच्छे तरीके से फैंसी लुक वगैरह आया है, सब अपने दिमाग की कारीगरी है? नहीं सर, यूट्यूब चैनल, आप ही का सब चैनल से देखते देखते इसमें दिमाग लगाते रहे हैं। यूट्यूब के चैनल से देखते सीख है ना? जी सर। और ये सब जैसे राजमिस्त्री का इतना बढ़िया फिनिशिंग होता है, ये सब अपने से कर लिए सब कुछ? जी सर। सब मतलब ईड़ा जोड़ने वगैरह का काम? जी सर, सब देखिए अभी मेरा सब चीजें गलत करनी है। हाँ, और पीछे फिटरे भी जो है काफी जुगाड़। देखिए सर, ये साउल है, ये सब जो करनी मिस्त्री लोग रखते हैं वो अपने खुद रखे हुए और अपने से काम किए। जी सर। हाँ भाई, देख सकते हैं उसका प्रूफ भी जो है, ये अमरजीत जी दिखा दिए, ये सब जो है इधर उधर उधर ईट ना भागे उसके लिए जो है ये इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये सब लकड़ी काटने उठने के लिए जो है। कुल मिला के कहें तो मतलब दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना लोग समझते हैं, तो सब अपने से किए ना? जी सर, जी सर। कुल मिला के जो है सब अपने जुगाड़ से ही, अपने दिमाग से ही, सब दिमाग की कारीगरी से ये सब है? नहीं सर, आपका सब चैनल से वीडियो देखते थे। हाँ, लेकिन किए तो आप ही ना है। जी सर। और इधर देख रहे हैं आप, एक बार दिखाना चाहेंगे दोस्तों, पीछे में जो है फिटरे वगैरह भी जो है ये काफी जुगाड़ तकनीक से बनाए, ये सब कबाड़ी वगैरह से लाए थे? जी सर, 200 रुपए में आम लाए थे, उसमें काट कूट कर चेक कर दिए खिलाने के लिए, इसमें जो है ऐसे कर दिए व्यवस्था ना? जी सर, जी। और ये सब जो दूध का रहता है उसमें भी जो ट्रे वगैरह पड़ा रहता है इधर उधर, उसी में पानी वानी के लिए खिलाने के लिए भी ये सब ले आए हैं? जी सर, जी। सर, वहाँ टेम्पो वाला भी है सर, उसमें खाई डाल लेते, टप खा लेते। हाँ, वो जो उधर बना हुआ है ना, वो बना नहीं, खाई टेम्पो वाला सीट है ना सर, वो उसमें मतलब ये ट्रे डाल देते हैं। दिमाग लगा दिए सर कि उसमें डाल देंगे तो हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सब कुछ जो है काफी जुगाड़ तकनीक से जो है ये किए, और पीछे जो है ये नमक का ढेला रखे हुए है ना? हाँ सर। इसको काहे के लिए रखे हुए भाई? ये सब चाटता है सर, पानी पीता है, पाचन क्रिया सब सही रहता है सर। ये सब इसीलिए जो है मिनरल्स वगैरह जो जरूरी मिनरल्स जो है वो नमक से पूरा हो जाता है। जी सर, जी। अब ये बताइए कि साथ में देख रहे हैं कि ये बकरी पालन, उधर जो कमरा है उसमें भी बकरी रखते हैं क्या? जी सर, जी। उसमें रखते हैं? हाँ। और ये जो पीछे इस साइड देख रहे हैं ये मुर्गियों के लिए है? जी सर, ये अथी है सर, ओरिजिनल देसी मुर्गी है सर। ओरिजिनल देसी है? ओरिजिनल देसी है, फिर कड़कनाथ मिक्स है भी। मिक्स है। कितनी संख्या भी होगी? मोटा मोटी 80 पीस होगा। 80 पीस है। कैसा डिमांड वगैरह कैसा है? मेरा जहानाबाद के ले लेता है सर, 450 रुपये के जी ले लेता है। यहाँ फार्म से जो है 450 रुपये के जी जो है मुर्गी उठा के लेके जाते हैं? जी सर, खाली फोन खाली करना है बस, इतना डिमांड है। जी सर। कुल मिला के जो अभी तक का अनुभव है बकरी पालन में या कह ले मुर्गी पालन में, कैसा अनुभव रहा? मुर्गी फार्म तो ठीक है रहा सर, कोई दिक्कत मेरे पास आया नहीं है। मुर्गी पालन में कोई दिक्कत नहीं? बकरी पालन में कोई दिक्कत आई? हाँ सर, ये दिक्कत है कि मतलब बच्चा अच्छा ग्रोथ नहीं पकड़ रहा है। अच्छा ग्रोथ नहीं पकड़ रहा है। ये बताइए कि जब शुरुआत बकरी पालन की किए थे तो क्या कुछ, जैसे ये बिल्कुल नया काम होता है लाइव स्टॉक का, तो कोई समस्या वगैरह आई थी क्या? समस्या ये आया था सर कि शुरुआती में कुछ ट्रेनिंग बहुत जरूरी था। ट्रेनिंग कर लेते ना सर तो कुछ कुछ जानकारी हो जाता तो मतलब सही रहता, और क्या सर। तो अभी क्या जानकारी वगैरह आपके पास हो गई? हाँ, जानकारी कुछ कुछ हुआ सर, कुछ सर, बाबा भी देखते रहते हैं सर, फोन पे आते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन मिलते रहता है। जी सर। और आज फिर से बाबा जो है आपके फार्म में आए हुए हैं? जी सर, आज आएंगे सर। तो अब दोस्तों बात करते हैं बाबा से, और वो भी यहाँ आए हुए, आज वैक्सीनेशन वगैरह जो है इनको, इनके बकरियों को होना है, तो बाबा आए हुए हैं, तो चलिए अब उनसे थोड़ा बात करते हैं। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है बाबा। आपका भी आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और तारीफ की बात है कि इस गर्मी में झेल रहे हैं लहर के झोंके को। जैसा गुरु वैसा चेला। सब यहाँ आने के बाद बहुत हम हतप्रभ रहे, बोले कि ये सब जितना शेड वगैरह है खुद अपने से दिन रात मेहनत करके ये बनाए हैं। हाँ सर, बिल्कुल, कहा कि ये लड़का हमसे काफी दिनों से संपर्क में है, और शुरुआती दौर में ये मिला हमसे, बकरी पालन सर हमको करना है, क्या करें न करें, तो मैंने इसके माइंड में सबसे पहले भरा कि लोकल बकरी, देहात से बढ़िया बकरी लो, और कुछ क्रॉस ब्रीड की बकरी भी रखो। तो क्रॉस ब्रीड की बकरी महंगा पड़ रहा था इसको, तो मैंने ही अपने फॉर्म से इसके इच्छा अनुकूल क्रॉस ब्रीड की पठिया दिया। आज ब्रीडर भी इसका अच्छा तैयार हो गया है, और मैंने जहाँ तक संभव हुआ इसे सपोर्ट किया, क्योंकि कहावत है करने वाला व्यक्ति दूर से ही पहचान में आता है कि मैं करने वाला हूं, और कौन सुनने वाला है नहीं सुनने वाला। तो इसमें मैंने देखा कि ये लड़का जो है काफी कर्मठ है, और ये कुछ करेगा बिल्कुल।
तो इसका हमने जी जान से सपोर्ट किया है। सपोर्ट तो सबको देता हूँ, लेकिन इसने मेरे बातों को काफ़ी अवलोकन किया और बताए रास्ते पे चल रहा है। और आज मुझे खुशी है, आज मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और देख करके हमें हर्ष हो रहा है कि हाँ, इसने अपने मेहनत के बलबूते पे 3 से 30 की संख्या पार कर गया। बिल्कुल, कहे शुरू में कि एक बकरी की, फिर 2 बकरी, फिर 3 बकरी, ऐसे करके 10 हो गया। और 10 से जो है बोले कि लगभग अभी 40 बकरियां इनके फार्म में हो गई, बच्चा वगैरह लेके 40 के आसपास में पहुंच गया ये। ऐसा कम देखने को मिलता है बाबा, लोग एक ही साथ 40-50 से शुरू करते हैं और 6-8 महीने फार्म बंद हो जाता है। सर, जो सीढ़ी बना गया है, जैसे बच्चा अगर नर्सरी में, सबसे पहले बच्चा सीखता है अपने घर में, माँ बाप उसके गुरु होते हैं, क ख ग सिखाते हैं, उसके बाद कहीं जाकर के वो स्कूल जाता है नर्सरी में। और अगर आदमी जो है एक बार शुरू करता है, सीधा 6 क्लास से शुरू करेगा, तो उसको तो क ख ग का ज्ञान नहीं है, तो क्या 6 क्लास में जाके पढ़ेगा। पैसा है उसके पास, उसके माँ बाप ने, उसके फादर ने, गार्जियन ने अच्छा कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, लेकिन बच्चा है, उसको तो पहला गाइडलाइन घर में होना चाहिए। तो जो गाइडलाइन घर में हुआ है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, वो मजबूत होगा। लेकिन जो पहले घर में कभी पढ़ा नहीं, दिन भर कैरम खेला या टीवी देखा हो, और उसको उठा करके हम इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं 5 क्लास में, तो वो सक्सेस नहीं होगा। फाउंडेशन अगर मजबूत रहेगा तभी इमारत जो है वो खड़ा हो सकता है। बिल्कुल, नज़दीक में सबसे पहली बात है कि नींव जो है मजबूत होना चाहिए। तो इसने शुरू से सीखा है हमें बकरी को कैसे रखना है, कैसे इसमें प्रोग्रेस होगा, कैसे बॉडी वेट गेन होगा। आज हमारे को जरूरत इसकी नहीं है, लेकिन हाँ, जब ये गड़बड़ाता है तो बाबा हमारे साथ ये समस्या है, बाबा हमारे साथ ये समस्या है, जो भी होता है मैं इसको मदद करता हूँ, और अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक चीज़ ये समस्या बता रहे थे कि हालांकि मेमने इनके अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कुछ मेमनों में जो है ग्रोथ की कमी देखी जा रही है। थोड़ा सा इनको बच्चों का जो परवरिश ये कर रहे हैं उसमें, ये ग्रीष्मकालीन जो मौसम, इस बार सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, और इस टेम्परेचर के जो कारण इनका बच्चा जो है उसमें कुछ डिहाइड्रेशन का प्रकोप है इनके यहाँ, तो उस पर इनको हमने गाइड किया है कि आप इसमें जिगोला है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, पीपी पोटाशियम परमैंगनेट है, इसका पानी में घोल बना करके रखें, बकरी का बच्चा जो भी है पानी वही पिएगा, तो उसको बाहरी जो प्रकोप है वो उससे बचाएगा। अभी हम देख रहे थे जब आप आए तो देख रहे वैक्सीनेशन वगैरह, किस चीज़ का वैक्सीनेशन कर रहे थे? ये ET+TT का, आने वाला बरसात का मौसम जो आ रहा है, इसमें ET+TT का इनको वैक्सीन दिया जाए। अब एक बात आम लोगों के लिए भी पूछ लेते हैं बाबा, अभी बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, तो किन चीज़ों का, किन बातों का ध्यान जो आम बकरी पालक है उनको रखना चाहिए? देखिए सर, आम बकरी पालक के लिए मैं तो पहले भी बताता हूँ, प्राकृतिक ने 4 मौसम दिए हैं, 4 बार आपको डिवार्मिंग करना है, 4 प्रकार के दवाओं से करना है, अलग अलग, और उसका शेड्यूल अगर आप पकड़े रहेंगे तो आप जो है 4ों मौसम में आपकी बकरियां स्वस्थ रहेगी और आप निश्चिंत रहेंगे और हमेशा लाभ की ओर अग्रसर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। ठीक सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सर धन्यवाद है सर। दोस्तों, ये हैं अमरजीत जी, और बिहार के अरवल जिला में करपी प्रखंड है, उसी के अंदर एक बस्ती है, वहीं इनका फार्म है, और लगभग 1.5 वर्ष हो गए ना बकरी पालन किए हुए? जी सर, 1.5 साल हो गया। तो लगभग 1.5 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मतलब ये था दोस्तों कि ये सब चीज़, जैसे कुछ वीडियो जो हमारा देखे थे तो वहाँ से ये कुछ चीज़ों को सीखे, तो आप भी ऐसे ऐसे जो रियल टाइम फार्मर हैं उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि जब तक अपना दिमाग आप नहीं लगाएंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो कुछ ना कुछ आपके पास यूनिक होना चाहिए, अपना जो है अलग क्रिएटिविटी आपके पास होना चाहिए, तब जाके जो है जो भी आप व्यवसाय, जिस चीज़ का भी व्यवसाय आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।